दोस्तों एक सच्ची घटना के आधारित मूवी है, इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर वेखियो। तो वीडियो शुरू कर दो पहला चैनल को सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो। मूवी की शुरुआत में असं डेविड को वेखते हाँ, वह रोड क्रॉस कर रहा हों तो उदों ही एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड भज के जाता है तो उस व्यक्ति को CPR दे के उसकी जान बचा लेता है। तो उदों ही डेविड आखता है कि जेकर उसनों उस व्यक्ति की जगह आने का मौका मिलता तो वह खुशी खुशी आ जाता, क्योंकि इस तों ज़्यादा दर्द उसने अपनी जिंदगी वेख्या है। घर जाके वह एक पेंटिंग वेखता है, उस पेंटिंग वेख के उसनों अपना पुराना समा याद आ जाता है। तो इस तों बाद मूवी फ्लैशबैक भी चली जाती है। हुण मूवी उसके बचपन तो विखाई जाती है। डेविड इत्थे एक बच्चा हुंदा ते ओ मछली पकड़ रहा हुंदा ते उदों ही उसके कोल एक लड़की आउंदी है, उसका नाम मेग हुंदा है। ते ओ भी डेविड दे नाल मछली पकड़न लगती है ते उदों ही डेविड उसके हाथ उपर एक निशान वेखदा है। ओ उसनों उसके निशान बारे पुछदा। मेग उसनों दसदी है कि उसके परिवार का एक्सीडेंट हो गया सी, मैं बच गई सी पर मेरा परिवार मर गया सी। ये निशान उसे एक्सीडेंट का ही है। मेरी एक भैन भी है जिसका नाम सुजैन है, उसनों पोलिया है, वह चल फिर नहीं सकती। ये आके मेग उत्थों जान लगती है। तो डेविड उसनों पुछदा है तू हुण कित्थे रहनी आ। ते मेग उसनों दसदी है कि मैं रूथ आंटी दे नाल रहण आई हाँ। उस तों बाद डेविड आखदा है कि फिर तो आपां दोबारा मिलांगे क्योंकि रूथ आंटी मेरी नेबर है। मेग समाइल करके उत्थों चली जाती है। अगले दिन डेविड रूथ आंटी दे घर जाता है। रूथ आंटी दे तीन लड़के ने जो डेविड दे दोस्त ने। यही कारण हुंदा है कि डेविड दा अक्सर उत्थे आउणा जाणा लग्गिया रहिंदा। वह डॉनी नूं मेग बारे पुछदा। डैनी डेविड नूं आखदा है कि मेग मेरी स्टैप सिस्टर है ते ओह ते सुजैन हुण साडे नाल ही रहणगे। उस तों बाद ओह दोनों उत्थों दे होर बच्चां नाल इक खेल खेलदे ने। ओह इक लड़की दी अक्खां ते पट्टी बन्न दिंदे ने ते हुण उसनूं सब नूं लभ के उन्हां उपर एप्पल मारना होवेगा, पर ओह लड़की हार जांदी है ते हुण उसनूं पनिशमेंट दित्ती जांदी है। उसनूं गंदे गंदे सवाल पुछे जांदे ने जिवें तूं किसी नूं किस कीता है वगैरह वगैरह, पर डेविड चुप रहिंदा है, उसनूं इह सब पसंद नहीं। रात नूं डेविड मेले विच जांदा है ते ओह उत्थे मेग नूं मिलदा है। मेग उसनूं आखदी है कि रूथ आंटी उसते बहुत गुस्सा करदी है ते उस नाल बुरा व्यवहार करदी है। अगले दिन डेविड रूथ आंटी दे घर जांदा है। ये पहली बार हुंदा है कि असीं रूथ नूं पहली बार वेखदे हाँ। उत्थे होर भी एरिए दे लड़के बैठे हुंदे ने ते रूथ उन्हां नूं बीयर ते स्मोक करना सिखा रही हुंदी है ते उन्हां दे नाल गंदे गंदे सवाल कर रही हुंदी है। वह आखदी है कि जदों मैं छोटी सी तां उसने मेले विच इक औरत वेखी सी, उह स्कर्ट उठा के डांस करदी सी ते उह उन्हां नूं स्कर्ट उठा के डांस करके विखाउंदी है। हुण उत्थे उसदे तीन बच्चे भी हुंदे ने। उह उन्हां नूं हर किस्म दी छूट दिंदी है कि उह कुछ भी कर सकदे ने। उस तों बाद उह सब नूं लै के मेले विच जांदी है ते मेघ नूं घर दा ख्याल रखण लई आखदी है। हुण रात नूं सारे लड़के कैंप करदे ने ते उह बरगल सवाल भी करदे ने। उह आखदे ने कि अज तक उन्हां ने कदे भी किसी लड़की नूं नैकड नहीं वेख्या। उह मेघ नूं नैकड देखण दा प्लान बणाउंदे ने। डेविड उन्हां नूं रोकण दी कोशिश करदा पर उसदी कोई भी गल नहीं सुणदा। हुण उह लोक इक पेड़ ते चढ़दे ने पर ड्रैस चेंज करदे टाइम मेघ लाइट बंद कर दिंदी है, इसदे कारण उह उसनूं देख नहीं पाउंदे। अगले दिन रूथ सब नूं गार्डन विच लै के जांदी है। उह उन्हां नूं सिल्क बाउं हटाउणा सिखाउंदी है पर मेघ इह सब करना नहीं चाहुंदी, उह मना कर दिंदी है। ते उदों ही रूथ मेघ ते सब दे कपड़े धोण दी पनिशमेंट दिंदी है। उस तों बाद डेविड बर्गर खाण जांदा है ते उसदे पिछे पिछे मेघ भी आ जांदी है, उसदे लई भी एक बर्गर लैण लई आखदी है। हुण मेघ ने दो दिनों तों खाणा नहीं खाया हुंदा। रूथ उसनूं खाणा नहीं दिंदी क्योंकि रूथ नूं लगदा है कि मेघ मोटी हो रही है। मेघ पहलां पेंटिंग करदी सी पर हुण उह पेंटिंग भी नहीं कर पाउंदी रूथ दी वजह कारण। डेविड उसनूं इक आइडिया दिंदा है कि उह रूथ लई इक पेंटिंग बनावे ते उह पेंटिंग नूं वेख के बहुत खुश होवेगी ते तैनूं पेंटिंग बनाउण तों मना नहीं करेगी। अगले दिन रूथ सुजैन तों कम करवा रही हुंदी है। इस दौरान सुजैन के हाथों एक ड्रैस गिर जाती है ते उदों ही रूथ उसनों बुरा भला आखदी है, उसनों गालियां दिंदी है। डेविड यह सब दूरों वेख रहा हुंदा, उसनों रूथ उपर बहुत गुस्सा आंदा पर वह कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ समय बाद मेघ डेविड नूं मिलन उसके घर आउंदी है ते वह उसनों एक पेंटिंग गिफ्ट करके उत्थों चली जाती है। हुण यह उही पेंटिंग हुंदी है जो मूवी की शुरुआत में डेविड वेख रहा हुंदा। ते उदों ही डेविड रूथ के घर जाता है ते वह उसनों पेंटिंग दे दिंदा है। वह आखदा है कि यह पेंटिंग मेघ ने तुहाडे लई बनाई है। पेंटिंग विच एक लड़का हुंदा जो नदी के किनारे बैठा हुंदा। यह वेख के रूथ समझ आती है कि यह पेंटिंग रूथ ने डेविड लई बनाई है तो वह मेघ नूं गाला दिंदी है। वह मेघ नूं पुछदी है कि उसने डेविड नूं होर की दिता। वह सब दे सामने मेघ दी इंसल्ट करती है। वह आखदी है कि अजकल दीआं लड़कियां एक लड़के नूं वश विच कर ले किसी भी हद तक जा सकदियां। वह मेघ नूं कवैशिया बुलाउंदी है। वह आखदी है कि इस गलती दी सज़ा उसनूं जरूर मिलेगी। अगले दिन डेविड फिर तो उन्हां दे घर जांदा है। उत्थे रूथ आंटी दे लड़के मेघ नूं गुदगुदी कर रहे हुंदे ने। उस टाइम रैल्फी जान बुझ के मेघ दी ब्रेस्ट नूं टच करदा है ते उदों ही मेघ उसनूं थप्पड़ मार के उत्थों चली जाती है ते उदों ही रूथ आ जाती है। सुजैन एक अलमारी विच लुकी हुंदी है। रूथ सुजैन नूं बाहर कढ के आखदी है कि मेघ ने जदों रैल्फी नूं थप्पड़ मारिया तो उसनूं रोकिया क्यों नहीं। सुजैन आखदी है कि गलती रैल्फी दी सी। रूथ आखदी है कि नहीं, गलती मेघ दी सी, इसलिए हुण सुजैन नूं भी गलती दी सज़ा मिलेगी। ते उदों ही उह सुजैन नूं उल्टा लिटा के उसकी
बैग से मारती है तो वह लड़कियों को सिखाती है कि लड़कियों को किवें पनिशमेंट दी जाती है। इसे टाइम मेग उत्थे आती है तो वह उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसके लड़के उसको पकड़ लेंगे। उस तो बाद रूथ मेग को आखती है कि जेकर हूँ उसने कोई गलती की तो हूँ उसकी जगह सुजैन को सज़ा मिलेगी। अगले दिन डेविड तो डोनी आइसक्रीम खा रहे होंगे ने तो वह मेग में एक पुलिस अफसर को गल करते वेखते हैं। डोनी जाके अपनी माँ रूथ को दस देता है तो उदों ही उइली मेग को आखता है कि चाहे तू कुछ भी कर ला पर तेनों बचाने लिए इतने कोई नहीं आएगा तो हूँ तेरे नाल होर भी बुरा होगा। ईवनिंग विच एक गेम खेडन की डिस्कस कर रहे होंगे ने तो वह अज रात को यह गेम मेग नाल खेडणगे तो वह डेविड ने भी अपने नाल अज रात रोकने लिए आखते हैं पर डेविड की माँ उसनू मना कर देती है पर उसके डैड उसनू परमिशन दे देंगे ने। रात में जो डेविड रूथ के घर जाता है तो वह देखता है कि मेग ने एक तयखाने अखा से पट्टी बन के उसके हथा रस्सा न बनया हों उसके पैरों के नीचे बुक्स रखी होंगी है। हुण रूथ मेग न उसके एंटीमेट रिलेशन बारे पूछती है पर मेग कुछ भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि यह सब हाले तक उसने नहीं किया पर वह सारे उसनू फोर्स कर लगते हैं तो उसके पैरों के नीचे बुक्स क्ढन लगते हैं। उस तो बाद उइली मेग के सारे कपड़े उतार देता है तो इस दौरान डोनी उसनू टच करने की कोशिश करता है पर रूथ उसनू रोक देती है। वह आखती है कि तू इस वैसिया टच नहीं करेगा। उस तो बाद मेग न आखते हैं कि जेकर उन्होंने उस नाल कोऑपरेट नहीं किया तो वह मेग की जगह सुजैन ये सब करेंगे। उस तो बाद सारे उतों चले जाते हैं पर इस तो भी उन्होंने मन नहीं भरता। उस तो बाद प्लैन करते हैं कि रूथ आंटी के सौन तो बाद मेग न टच कर जाएंगे। डेविड उन्होंने रोकता है पर वह नहीं रुकते। वह मेग को चले जाते हैं तो मेग उन्होंने पानी मंगती है। वह पानी के बदले उसनू टच कर सौदा करते हैं। मेग हाँ कर देती है। मेग पानी पीने तो बाद आखती है कि जेकर उन्होंने उसनू टच किया तो रौला पा देगी जिस नाल रूथ आंटी उठ जाएगी तो उन्होंने पनिशमेंट मिलेगी। यह सब सुन के वह डर जाते हैं तो वह उतों चले जाते हैं तो उदों ही डेविड मेग की रस्सी में थोड़ा लूज कर देता है ताकि वह ठीक तरह खड़ी हो सके। अगली सुबह रूथ मेग ब्रैड खिला रही होंगी है पर उसका गला सुखा हो चुका होंगे इसलिए कुछ भी खा नहीं पा रही होंगी पर रूथ उसनू पानी नहीं देंदी। इसकी वजह कारण वह खाना नहीं खा पाती तो उदों ही रूथ उसकी चाह का कप तोड़ देती है तो वह आखती है कि यह मेग ने तोड़िया है तो हूँ इसकी सज़ा वह सुजैन को देगी तो उदों ही वह सुजैन की बैग से मार लगती है। डेविड यह सब वेख रहा होंगे पर वह कुछ नहीं कर पाता। फिर डेविड अपने डैड को बार बच्चे उन्हों की मदद करवाने जाता है। उन्होंने पूछता है कि कदे मैंने किसी लड़की से हाथ हटाना चाहिए है। उसके डैड आखते हैं नहीं तू कदे भी किसी लड़की से हाथ ना उठाई पर कदे यहोजी सिचुएशन हो जाती है कि आपको हाथ उठाना पै जाता है इसलिए तू लड़कियों तो दूर ही रह। फिर डेविड रात में अपनी मॉम को जाता है। उन्होंने सब कुछ दसना चाहता पर उसकी माँ गहरी नींद में होंगी है इसलिए वह उन्होंने कुछ भी नहीं कह पाता। अगले दिन वह रूथ के घर जाके वेखता है। डोनी मेग के शरीर में खरोच रहा होंगे तो रूथ उसको सिगरेट न जला रही होंगी है तो वह बहुत रौला पा रही होंगी है तो उदों ही उन्होंने डोर बैल बजती है तो रूथ अपने लड़के को भेजती है दरवाजा खोलने लिए। उदों ही डेविड आखता है कि उन्होंने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए सी क्योंकि जो पुलिस आई हुई तो वह उन्होंने की जवाब देंगे। रूथ उसकी गल मन जाती है तो रूथ उन्होंने आखती है कि जे डेविड तो मेग की आवाज़ उपर आई तो वह उन्होंने दोनों मार देगी तो वह यह कह के उपर चली जाती है। उत्थे सचमुच एक पुलिस वाला आया हों यही पुलिस वाला हों जो मेग को मिलया सी। अफसर मेग तो सुजैन बारे पूछता है। रूथ अफसर को आखती है कि वह दोनों शॉपिंग करने लिए गई ने यह सुन के अफसर उत्थे चला जाता है पर वह उन्होंने घर उपर नज़र रखता है। उधरों डेविड जो कि बेसमेंट में होंदा है वह मेग को आखता है कि वह अज रात पिछे का दरवाजा खोल देगा तो उसनू उत्थों भज्जन लिए आखता है। उसनू पैसे दिता है। मेग उसनू आखती है कि यह पैसे वह नदी के किनारे एक पत्थर थले रख देवे तो वह उत्थों जाने वेले लै लेगी। डेविड उवें ही करता है पर अगली सुबह जो चैक कर ले जाता है तो वह पैसे उत्थे ही होंगे ने तो डेविड हुण समझ जाता है कि मेग रात को नहीं भज सकी तो उदों ही वह रूथ के घर जाता है। उत्थे एरी के सारे बच्चे होंगे ने तो उइली मेग का रेप कर रहा हों। रूथ आखती है कि कल रात मेग भज्जन की कोशिश कर रही थी तो असं इसनों पकड़ लिया तो इसी गल की सज़ा हुण इसनों मिल रही है। उइली तो बाद रूथ सबनों पूछती है कि हुण अगला कौन मेग का रेप करना चाहेगा। रूथ का दूजा बेटा डोनी वह आखता है कि मैं करना चाहता हाँ पर रूथ उसनों आखती है कि हुणे तेरे बड़े भरा ने उसका रेप किया है इसलिए तू नहीं कर सकता। वह डेविड को रेप करने लिए आखती है पर डेविड मना कर देता है। वह आखता है कि यह सब गलत हो रहा पर रूथ उसनों आखती है कि कोई छोटा बच्चा उसनों गलत सही बारे नहीं दस सकता। उस तो बाद मेग के पेट उपर लिखती है कि वह एक वैश्या है तो उसनों यह काम करना पसंद है। रूथ नहीं चाहती कि मेग का कदे ब्याह होवे पर फिर रूथ सोचती है कि किसी भी मर्द को खुश करने लिए लड़की का प्राइवेट पार्ट ही काफ़ी होंदा है इसलिए जब तक उसका प्राइवेट पार्ट सलामत है वह किसी नाल भी इंटीमेट हो सकती है इसलिए वह मेग का प्राइवेट पार्ट नूं जला देंदी है। मेग दर्द न चलाती है। यह सब वेख के डेविड उत्थों भज्जन की कोशिश करता है तो उदों ही रूथ के लड़के उसनों पकड़ लेंगे ने जो मेग नाल हो रहा वह सब डेविड नूं विखाया जाता पर डेविड यह सब देख नहीं पाता। वह बेहोश हो जाता है। होश में आने तो बाद वह अपने आप को बन्नया होया पाता है। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ा के मेघ तो सुजैन को जाता है।
ਹੁਣ ਮੇਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਜੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਘ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਰਚਰ ਸੁਜੈਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁਜੈਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਜੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਵਿਡ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੀ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਮੇਘ ਕੋਲ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਘ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਘ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਜੈਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਮੇਘ ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮੇਘ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੂਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਬਣੀ। ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ।